हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सनसनी। आज मैं फिर आपके सामने एक नई वर्कआउट वीडियो लेके हाजिर हूँ और आज की वर्कआउट वीडियो हमारी बॉडी की बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट के लिए है। जी हाँ, आज की वीडियो है लेग्स के ऊपर कि आप घर पर अपनी लेग्स यानी कि थाई, हिप्स और बट्स को कैसे शेप में ला सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में जो मेरी टॉप 5 एक्सरसाइज हैं वो शेयर की हैं। आपको इसके टोटल 3 सेट करने हैं और एक सेट में आपकी 5 एक्सरसाइज हैं। हर एक्सरसाइज आपको 30 सेकंड तक करनी है। जब आपका एक सेट कंप्लीट हो जाए तब आपको 20 सेकंड का रेस्ट लेना है और फिर आपको दो बार और इन एक्सरसाइज को रिपीट करना है। ये एक्सरसाइज जिनके घुटने में दर्द है, जिनको नी पेन है, उनको ये एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं वो कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं। इस एक्सरसाइज में आपके घुटने हैं वो पैरों के पंजों से आगे नहीं आने चाहिए। आपको धीरे धीरे नीचे बैठना है और 90 डिग्री का एंगल बना के वापस ऊपर उठना है। जब आप ऊपर उठें तो घुटनों को एकदम सीधा मत करें, उनको थोड़ा मोड़ कर रखें ताकि आपके जो घुटने हैं, जो आपकी टांगे हैं, वो लॉक कंडीशन में ना आए। ये एक्सरसाइज आपकी टांगों के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही आराम से करना है। आपको टांग को आगे ले जाते हुए हल्का बेंड करना है और जब आप अपनी टांग को सीधा करें तो अपनी टांग को थोड़ा टाइट करना है ताकि आपकी थाई पर इसका पूरा इफेक्ट पड़े। इस एक्सरसाइज में आपको अपनी बॉडी से एक ब्रिज बनाना है। इसमें जब आप ऊपर आएं तो आपको सांस बाहर छोड़ना है और जब आप नीचे जाएं तो आपको सांस को अंदर लेना है। और ये एक्सरसाइज भी आपको बहुत आराम से और धीरे धीरे करनी है। ये एक्सरसाइज हमारे टांगों के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें आपको अपनी टांगों को 2 से 3 फुट तक चौड़ा करना है, उसके बाद अपने पैर के पंजों को बाहर की तरफ निकाल के रखना है और फिर अपनी बॉडी को बैलेंस करते हुए नीचे बैठना है और फिर ऊपर जाना है। ये एक्सरसाइज करने के बाद आपकी थाई में बहुत इफेक्ट पड़ेगा, आपको एक ही सेट में इसका इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। ये एक्सरसाइज हमारी 2 एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन है। ये एक्सरसाइज भी आपको धीरे धीरे आराम से करना है। इसमें आपके थाई के साथ साथ जो आपका साइड फैट है उसमें भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। ये एक्सरसाइज अपनी बॉडी को बैलेंस करते हुए धीरे धीरे आराम से करनी है।
आप कोई भी एक्सरसाइज करें उसको ख़त्म करने के बाद आपको स्ट्रेचिंग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेचिंग करने से आपकी जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल बनी रहती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक धन्यवाद।